चलें। अब हम इंटर हो चुके हैं, ये साइमा वालों का प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी अनकम्प्लीट है। काफ़ी सारे मकान बिंगलोज बन चुके हैं और काफ़ी सारे आगे अभी बनने वाले हैं। ये सालों का प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ रहने आ गए हैं। और अभी मैं गाड़ी से उतर के भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको यहाँ का शौक। और ईद की वजह से यहाँ रश नहीं है क्योंकि ईद उज़ुहा के मौके पर लोग काफ़ी थक जाते हैं 3 दिन कुर्बानी करके, तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग आराम कर रहे हैं। गाड़ी जा रही है और ये सब कुछ मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिनमें मेडिकल स्टोर, मिल्क शॉप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इसी किस्म की शॉप्स वगैरह हैं। ये नॉर्थ कराची से आगे का इलाका है। कुछ लोग फ्यूचर के चक्कर में अपना हाल यानी प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं और ज़िंदगी को अपने लिए अजाब बना देते हैं। ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते कि कल करूँगा, कल आए ना आए किसे पता। हमें अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय करना चाहिए लेकिन ये सोच के कि हम मुसलमान हैं और हमारी अपनी तहजीब, अपनी रवायात हैं, उनमें रहते हुए हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में इंडियन सिंगर किशोर कुमार का एक गाना भी है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस वक्त मैं साइमा के प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ, यहाँ मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। आप दोनों तरफ देखें, यहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें, कितना साफ सुथरा इलाका है। और अगर आप साइड पर देखें तो यहाँ भी साफ सुथरा इलाका है और अच्छे अच्छे बिल्डर्स वगैरह बने हुए हैं। और ईद का तीसरा दिन है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ साफ है और कोई गंदगी नहीं है। आइए मैं आपको आगे भी बताऊंगा ये कैसा प्रोजेक्ट है। और अब अंदर जाके एक गार्डन है, मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा यहाँ का भी दिखाओ आप। ये सामने आप देखें, पूरी लोकेशन आप देखें, ठीक है। अब मैं आगे जाके अंदर एक गार्डन बना है, वहाँ की मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़रा सोचो। अब मैं आपको यहाँ का पार्क दिखाता हूँ। हर सेक्टर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ लोग शाम को जाके थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और वो एक पार्क ही ऐसी जगह है जहाँ लड़के जाते हैं, क्रिकेट वगैरह भी थोड़ा बहुत खेलते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ आके बैठते हैं, आराम करते हैं और फ्रेशनेस हासिल करते हैं। ये देखें, ये पार्क है, यहाँ पर कुछ फैमिली बैठी हुई है चंद एक, और खाली है ये। ये देखें आप, ये है रोशनियों का शहर कराची, सिटी ऑफ लाइट्स कराची। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से ये राउंड मारा जा रहा है पूरे पार्क का ताकि आपको दिखाया जा सके। अब यहाँ से गेट नंबर 3 आगे आएगा और ये देखें,
सूरज चूंकि डूब रहा है इसलिए इसकी शुआएं कैमरे पर पड़ रही हैं और ये इस वजह से ये कुछ बच्चियां यहाँ खेल रही हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी दो नन्हीं। अब इन दुआओं के साथ इजाजत, जहाँ रहें खुश रहें, सबका नगेबान, अल्लाह मेहरबान।